नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। मैं डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। दोस्तों, मैं बात करूंगा मार्केश ग्रहों के ऊपर। मार्केश ग्रहों के ऊपर दोस्तों इतना बड़ा भय बन जाता है जब पता चलता है कि मार्केश की दशा लग गई है, आपकी तो मृत्यु हो सकती है। जब ये कहा जाए ज्योतिष के द्वारा कि मार्केश ग्रह आ गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मार्केश क्या है आज हम इस पे बात करेंगे और मार्केश की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। कुंडली में साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जो भारत से दक्षिण भारत की ज्योतिष और नॉर्थ इंडियन यानी कि उत्तर भारतीय ज्योतिष में भी बहुत ज़्यादा दोस्तों डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा फर्क है। साउथ इंडियन ज्योतिषी जो हैं वो दोस्तों तीसरे भाव को और छठे भाव को भी मार्केश मानते हैं। कुछ जगह पे दूसरे भाव को और सप्तम भाव को मार्केश माना जाता है, कुछ जगह पे अष्टम को और बारहवें को भी माना जाता है। हालांकि द्वितीयेश, तृतीयेश, षष्टम, सप्तम, अष्टम और द्वादश, ये दोस्तों जो भाव हैं ज्योतिष में वो मार्क भाव कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों मार्केश की दशा, दोस्तों महादशा आती है, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा, उन दशाओं का मतलब अलग रहेगा कुछ ना कुछ। लेकिन जब पूर्ण मार्केश की बात आती है दोस्तों, या जो मार्केश भी इसमें पॉइंट है, देखो इसमें भी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा। जो मान लीजिए अब कुंडली कहती है, ज्योतिष का जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, सेकंड भाव यानी दूसरा भाव, जन्म लगन कुंडली में दूसरा भाव और जो सातवां भाव, जब दोनों के ग्रह राशि परिवर्तन कर लें, यानी सप्तम भाव का कारक, सप्तम भाव का जो मालिक सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी जब आपका द्वितीय में आ जाए और द्वितीय भाव का स्वामी यदि सप्तम में आ जाए, जब दोनों एक्सचेंज हो जाएं, तो यहाँ पर मृत्यु योग यानी मार्केश की दशा बनती है। अब मार्केश की दशा जरूरी नहीं है कि मृत्यु ही देगी, वो आपको बीमार कर सकती है। मार्केश में देखेंगे कई प्रकार के मार्केश हैं। मार्केश यानी संतान की तरफ से कष्ट होना। अब एक बच्चे ने अपने पिता को तू कह के बोल दिया, अपने पिता को जब तू कहा तो पिता के लिए तो दोस्तों मरण मृत्यु के समान हो गया। जब एक बेटा अपने पिता को तू कह के बोले या गंदी लैंग्वेज में बात करे, पिता का जब सम्मान अगर खत्म कर दे, तो इसका मतलब पिता के लिए वो मार्केश के बराबर माना जाएगा। अब एक गुरु को यदि शिष्य कह दे, तू कह दे गुरु को, आपने मुझे कौन सा ज्ञान दिया। एक गुरु ने एक अपने शिष्य को इतना ज्ञान दिया और वो गुरु की अगर तोहीन कर दे शिष्य, तो गुरु के लिए दोस्तों वो मार्केश बन जाएगा, मार्क वाला समय बन जाएगा। मार्केश की दृष्टि यही कहलाती है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों जब पत्नी को पता चलता है कि पति गलत रास्ते पे चल पड़ा, परिवार की कोई चिंता नहीं, पत्नी को जब एकदम शौक लगे, तो हो सकता है दोस्तों ये भी एक मार्केश का तुलना में गिना जाएगा। आपको छोटे छोटे रोग आदि व्याधि जरा पीड़ा, जो छोटी छोटी बीमारियां, खांसी जुकाम, जो छोटे छोटे रोग आ जाते हैं, कोई टीबी होगी, एक साल के लिए बीमार हो गए, कोई दूसरी बीमारी होगी, कोई तीसरी होगी, जिस प्रकार के ग्रहों की पावर होगी वैसी ही मार्केश की दशा कहलाएगी। मार्केश से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं कि मार्केश आ गया तो द्वितीय भाव की दशा आ गई तो वो खराब ही करेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें भी पॉइंट है कि उस ग्रह की डिग्री कितनी है, उस ग्रह की पावर कितनी है। अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मार्केश आपके लिए मार्क नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आप इस प्रकार से अगर आप मार्क की थोड़ी सी अगर ग्रहों की आप स्थिति को अगर जज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कभी नुकसान नहीं होगा। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जब मार्केश की बात आती है तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान बता देते हैं कि पूर्ण मार्केश आ गया, लेकिन आंशिक मार्केश में चिंता की बात नहीं होती। आंशिक मार्केश, पूर्ण मार्केश, बहुत ज़्यादा फर्क होता है दोस्तों। लेकिन जब भी मार्केश की दशा आती है दोस्तों, आपको महामृत्युंजय की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव का स्वयं जाप करना चाहिए और आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी अगर आपको मार्केश की दशा जीवन में कभी आती है, किसी भी पड़ाव में, किसी भी उम्र में आती है दोस्तों, तो उस समय आपने शिव पूजा करनी है। गरीब लोगों को, जो आपके मजदूर लोग हैं, उनको आपने जरूर जो है खाना खिलाना होता है। मेहनत कश इंसान को, भिखारियों को नहीं, मेहनत कश इंसान को दान पुण्य किया जाए। दोस्तों ये छोटा सा एक एपिसोड हमने बनाया आपके लिए कि मार्केश की दशाओं से, ताकि आप घबराएं ना और आपको एक सही रास्ते में सही उपाय मिल जाए। तो दोस्तों यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जानकारी और ज़्यादा जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझे चंडीगढ़ में आकर के मिल सकते हैं।
या फिर आप मुझे टेलीफोनिकली पूरे वर्ल्ड वाइड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप दोस्तों यहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना जो प्रोसेस है हमारा प्रोसेस फॉलो करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो दोस्तों आप टीवी चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो हमारे नए नए एपिसोड हैं प्रतिदिन जो आपको नई नई जानकारियां देते हैं इसे आप और लोगों को भी शेयर किया करें। नारायण जी को आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर एक नए खास विषय के साथ दोबारा से जल्द हाजिर होता हूँ। नमो नारायण जी मित्रों, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।